हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज सिन्हा है और आप मुझे देख रहे हैं क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट नेटवर्क पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिटमेक्स की। बिटमेक्स कई हज़ार लोगों को बनाया है लेकिन लाखों लोगों को उसने डुबाया है। तो बिटमेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और उसको अच्छी तरह से समझना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो मेरा अपना मानना है कि आप जब बिटमेक्स पे ट्रेडिंग स्टार्ट करो उससे पहले बिटमेक्स वालों की ही एक साइट है जो उनकी सिमुलेशन साइट है, या आप बोल सकते हो सिमुलेटर साइट है। उस वेबसाइट का नाम है www.testnet.bitmex.com। तो आप सबसे पहले testnet.bitmex.com पे जाकर प्रैक्टिस करो, सीखो, लाइव एग्जांपल देखो कि बिटमेक्स पे ट्रेडिंग कैसे होती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे आप रियल टाइम ट्रेडिंग करना। आप जब बिटमेक्स के सिमुलेटर साइट testnet.bitmex.com पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक साइन अप करना होगा, एक लॉगिन आईडी बनाना होगा और उसके बाद वहाँ पे फेक बिटकॉइन आपको मिलेंगे। आप वो फेक बिटकॉइन उन्हीं के साइट पे फौसे होती है, वहाँ से आप अर्न कर सकते हो। तो फिर आप लाइव तरीके से फेक बिटकॉइन से नॉट रियल मनी आप बिटमेक्स पे ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। एक बार आपने जब उस पर ट्रेडिंग चालू किया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, क्योंकि बिटमेक्स हो सकता है आपको एक दिन में ही एक रात में 100 गुना फ़ायदा दे दे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी 0.1 बिटकॉइन हो या फिर 100 बिटकॉइन हो, वो कुछ भी पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है और आपको ज़ीरो पे ला सकता है। तो बिना प्रैक्टिस के आप अपनी गाढ़ी कमाई को बिटमेक्स पे मत लगाना। पहले आप कुछ सीखो, उसके बाद ही बिटमेक्स पे आप रियल बिटकॉइन डालना और फिर उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करना। आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स देखे होंगे जहाँ पे लोगों ने बिटमेक्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन वो सारे लोग कंप्यूटर पे आपको लाइव बिटमेक्स का एग्ज़ाम्पल देते हैं, लेकिन वो समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे कि आखिर बिटमेक्स है क्या, तब तक बिटमेक्स से प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि बिटमेक्स में जब भी आप ट्रेड करो तो बहुत ही छोटे अमाउंट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, मे बी 0.01 बिटकॉइन। अगर आप 0.01 बिटकॉइन से ट्रेडिंग करते हो और आपने कुछ भी प्रॉफिट कमाया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिटमेक्स में बेसिकली आप तीन तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो, एक तो ऑर्डर लिमिट या लिमिट ऑर्डर, दूसरा मार्केट और तीसरा स्टॉप लिमिट। ऑर्डर लिमिट बहुत आसान है, आपने एक प्राइस लगाया, पहले तो उस प्राइस पे चाहे तो आपने बाई लगाया है या सेल लगाया है, मतलब लॉन्ग लगाया या शॉर्ट लगाया, अगर उस प्राइस तक करेंसी की प्राइस पहुंचती है तो आपका ऑर्डर फुलफिल होता है। दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब अभी जो भी उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस चल रही है उस पे आप ट्रेड लगा सकते हो, या तो लॉन्ग या शॉर्ट। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो बिटमेक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी न रखने के बावजूद भी ट्रेडिंग जब स्टार्ट करते हैं तो आधे बिटकॉइन या 0.25 बिटकॉइन या कई बार तो 1 बिटकॉइन से भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है। ऐसा आप कभी मत करना। आप पहले चीज़ों को समझो और उसके बाद फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना, और कभी भी इतने बड़े अमाउंट से तो ट्रेडिंग करना सजेस्टेड नहीं है, कभी भी नहीं है, क्योंकि इसमें कमाने का चांस है लेकिन डूबने का चांस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि बिटमेक्स ने हज़ारों लोगों को बनाया है लेकिन लाखों लोगों को डुबाया है, तो आप उस
लाखों लोगों की भीड़ का हिस्सा न बनो, इसके लिए आज मैं आपको कुछ बेसिक बताने जा रहा हूँ। बिटमेक्स में बाई का मतलब होता है लॉन्ग और सेल का मतलब होता है शॉर्ट। बिटमेक्स में कई सारी करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ईओएस, कार्डानो, लाइटकॉइन, ट्रोन, रिपल। तो ये सब सारी करेंसीज जो हैं यहाँ पे, जब आप बिटमेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का लेवरेज आपको मिलता है। सबसे ज़्यादा जो लेवरेज मिलता है वो बिटकॉइन पे मिलता है 100x, और बाकी नॉर्मली 20x तक लेवरेज मिल जाता है। कुछ करेंसीज में 50x और 33.3x लेवरेज भी मिलता है। अब ये लेवरेज होता क्या है? लेवरेज को मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो लेवरेज मतलब होता है उधार मांगना। आपके पास पैसे कम हैं और आप चाहते हो, लेट्स से कि आपके पास 1 रुपया है और आप चाहते हो कि नहीं बॉस, मेरे को ट्रेडिंग करना है 50 रुपये से, कोई बात नहीं, आप मार्केट से वो पैसा उधार मांग सकते हो और फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये जो मैंने टर्म बोला 100x, 20x, 33x, 50x, ये सारे के सारे कितना गुना उधार मांग रहे हो उसको ही लिवरेज बोलते हैं, लिवरेज, ठीक है। तो जैसे बिटकॉइन पे आप देखोगे 100x का लिवरेज मिल रहा है, या फिर और किसी करेंसी पे 20x का लिवरेज मिल रहा है, दैट इज़ बेसिकली आप उससे उधार मांग रहे हो, बिटमेक्स वालों से आप उधार मांग रहे हो और उधार पे आप खेल रहे हो। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने लॉन्ग लगाया है, दैट मीन्स कि प्राइस इंक्रीज होने पे आपने अपना ट्रेड लगाया है और प्राइस घटने लगा, तो वो आपके लिवरेज के हिसाब से लिक्विडेशन प्राइस पे आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि प्राइस इतनी जल्दी फ्लक्चुएट करे कि वो आपका जो भी आपने पैसे लगाए हैं, जो भी आपने बिटकॉइन लगाए हैं, वो तुरंत लिक्विडेट हो जाए। अगर लिक्विडेट हो गया दैट मीन्स आपके अकाउंट में 0 बैलेंस बचेगा। तो इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए कि लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे सेट है। लिक्विडेशन प्राइस आपकी मर्जी से सेट नहीं होता अगर आप मार्केट पे खेल रहे हो तो। बेसिकली बिटमेक्स में 3 तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक लिमिट ऑर्डर होता है, एक मार्केट होता है, एक स्टॉप लिमिट होता है। तो लिमिट ऑर्डर में आप एक प्राइस आपने अपने मन में सोचा है कि जब इस प्राइस पे आएगा तब मैं क्रिप्टो करेंसी बाई करूँगा या सेल करूँगा, और उसके बाद जैसे वो प्राइस मैच हो जाता है तो आप एक पोजीशन ले लेते हो, और वो पोजीशन लेने के बाद से फिर आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। मार्केट में इंस्टेंटली जो भी मार्केट रेट चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, उसके हिसाब से आपका ऑर्डर तुरंत फुलफिल हो जाता है और फिर आप पोजीशन ले लेते हो। और स्टॉप लिमिट, बेसिकली अगर आपको इस बात का डर है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया तो क्या सारे के सारे पैसे चले जाएंगे, उस हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से आप स्टॉप लिमिट पे खेल सकते हो। अगर आपको बिटकॉइन में खेलना है तो बिटकॉइन में जो ट्रेडिंग होता है वो डॉलर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। $1 इज इक्वल टू 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके हिसाब से आप लिवरेज ले सकते हो और फिर आप बाई या सेल, मतलब लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो। अब आपको जो बात ध्यान देने की है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप जितना ज़्यादा लिवरेज लेते हो बिटमेक्स वाले आपसे उतना कम फी लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैप है, याद रखना, ये सिर्फ एक ट्रैप है। क्यों? क्योंकि वो आपसे कम फी ले रहे हैं, लेकिन जो आपका परचेज प्राइस है और लिक्विडेशन का जो प्राइस है उसके बीच की दूरी, आपका लिवरेज जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उतना ही परचेज प्राइस और लिक्विडेशन के बीच का गैप घटता जाता है, मतलब आपका रिस्क लेवल बढ़ता जाता है। मतलब ये कि आपने 100x पे अगर खेलने का सोचा है तो द डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड लिक्विडेशन प्राइस वुड बी वेरी लेस। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ा भी प्राइस फ्लक्चुएट हुआ और आपका पूरा का पूरा बिटकॉइन लिक्विडेट हो गया। आप जितना कम लिवरेज पे खेलते हो लिक्विडेशन और परचेज प्राइस की दूरी या फिर गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आप सेफ खेलते हो। आपको ट्रेडिंग के दौरान अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वो बताता है
कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो बॉस आप फिर जल्दी निकल जाओ और फिर आप ट्रेड से एग्जिट तुरंत कर लो, क्योंकि यहाँ पे पलक झपकते ही सारा का सारा गेम पलट जाता है। और अगर आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो भी आप गेम से तुरंत एग्जिट कर लो, क्योंकि ये ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ ही क्षणों में आपका पूरा का पूरा ट्रेड लिक्विडेट हो गया और आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको नज़र रखना है। बिटमेक्स में एक और टर्म होता है डीलिवरेज। डीलिवरेज क्या होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड लगाया है, चाहे वो बाई हो या फिर सेल हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आपने एक ट्रेड लगाया है और वो ट्रेड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने लगा, एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि अगर आपने बिटमेक्स पे ट्रेडिंग लगाया और वो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा तो बिटमेक्स वाले उसको डीलिवरेज कर देते हैं और फिर आपकी प्रॉफिट तो गई ही गए, आपने जहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किया था आप बैक टू स्क्वायर आ जाते हो और फिर वो पैसे आप दोबारा से वहीं पहुँच जाते हैं। इसके लिए आप ये मत सोचना कभी भी कि बिटमेक्स में जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो एक सर्टेन लिमिट के बाद प्रॉफिट से एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लालच में वो डीलिवरेज हो गया और अगर डीलिवरेज हो गया तो आपकी कमाई ज़ीरो हो जाती है। जब भी आपने पोजीशन ले लिया है तो क्या होता है कि कई बार प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल आता है या कई बार प्राइस में बहुत तेज़ी से गिरावट होती है, उस केस में आपने लेट्स से कि बहुत ही अच्छा पोजीशन लिया हुआ है और आपका लिक्विडेशन प्राइस भी काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैंने स्टॉप लिमिट पे खेला नहीं है और अब ऐसा ना हो कि ये तुरंत लिक्विडेट हो जाए, तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रेड को अपने हिसाब से क्लोज पोजीशन कर सकते हो जिसमें कि आप एक मनचाहा दाम लिखो और फिर एक बटन आता है जो कि आप बिटमेक्स में देखोगे, उससे आप पोजीशन को क्लोज करने का सेलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा, आपको लगता है कि बॉस ये बहुत हाई रिस्क होने वाला है, अब तो पैसा डूबा, उस केस में अगर आपने तुरंत ही लिक्विडेट करना है तो पोजीशन में एक मार्केट पोजीशन आता है, मार्केट को सेलेक्ट करो और आपका पोजीशन तुरंत क्लोज हो जाएगा। आज तो मैं बस अभी मेरे दिमाग में आया कि चलो बिटमेक्स के बारे में कुछ बात करते हैं, तो मैंने ये सारी बातें आपके सामने रखी। हो सकता है आने वाले कुछ वीडियो में मैं ये सारी बातें डिटेल्स में आपको ऑन स्क्रीन बताऊं, लेकिन याद रखना बिटमेक्स बहुत ही रिस्की गेम है और बिना सोचे समझे बिटमेक्स में आप ट्रेडिंग स्टार्ट मत करना। अगर करना है उससे पहले आप testnet.bitmex.com पे सिमुलेशन साइट पे चाहो तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक महीने प्रैक्टिस करो, लाइव ट्रेडिंग क्या होता है उसको फील करो। अगर आपको लगता है कि हाँ बॉस दिस इज़ माय कप ऑफ टी, देन ओनली आप लाइव बिटकॉइन लगाओ और फिर एक्चुअल बिटमेक्स की साइट पे जाके ट्रेडिंग करो। आज के लिए इतना ही बॉस, होप आप बहुत ही सेफ तरीके से ट्रेडिंग करते हो। Have a good day.